नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश में दो तीन दिन फिर मौसम का मिजाज बदला रहेगा। उत्तर भारत के पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर प्रेरित चक्रवात बनने से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सोमवार से बारिश और बादलों की स्थिति बन सकती है। तीस और 31 जनवरी को पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। इसके बाद 1 फरवरी से बादल छटेंगे और तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। रविवार को प्रदेश में सबसे सर्द रीवा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। खजुराहो में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। श्योपुर, नीमच और मंदसौर में बारिश भी दर्ज की गई है। प्रदेश मौसम वैज्ञानिक एस के पांडे के अनुसार सोमवार को इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में बादल छा सकते हैं। कुछ जगहों पर बारिश का भी आसार है। इसके बाद मंगलवार को टीकमगढ़, खजुराहो सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। अगले 1-2 दिन में तापमान तेजी से गिर सकता है, जिससे लोगों को तेज ठंड और गलन का एहसास होगा। वहीं मौसम के बदलते मिजाज के बीच अब किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच गई हैं। अगर बारिश सामान्य हुई तो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, और अगर बारिश तेज होने के साथ ही ओले गिरे तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींचती नजर आ रही हैं। लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तेज खबर 24 न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।